नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या रेणुका सिंह अब छत्तीसगढ़ की नई मुख्यमंत्री बनने वाली है, उन्हें लेकर ये चर्चा लगातार हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में पर्यवेक्षकों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो विधायकों से बातचीत करें और उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर किसे बैठाया जाए इसे लेकर फैसला सुनाए। लेकिन अब आपको बता दें कि रेणुका सिंह की मुलाकात जेपी नड्डा के साथ जब से हुई है तब से माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद अब रेणुका सिंह को ही मिलेगा। लेकिन आपको यहां पर यह भी बता दें कि रेणुका सिंह को लेकर इस वक्त चर्चा जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। रेणुका सिंह की अगर बात करें तो उनका बार बार यही कहना है कि वे मुख्यमंत्री बनते ही अपने गढ़ को सबसे पहले संवारेंगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के इस वक्त जैसे हालात हैं, जिस चुनौतियों का वे सामना कर रही हैं, उन्हें वो पूरी तरह से खत्म करती हुई नजर आएंगी और अपने समुदाय को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश यहां पर करेंगी। लेकिन अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद अगर कहा जाए तो हमने देखा था कि किस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के समय भी ऐसा ही हुआ। राष्ट्रपति चुनाव जब 2022 में हुए तो यहां पर देखा गया कि द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया और उस वक्त यही बात कहते हुए बीजेपी नजर भी आई थी कि वे आदिवासियों को सबसे आगे रखेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि देश में अलग अलग ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें आदिवासियों पर अत्याचार होता हुआ नजर आए, लेकिन पार्टी कुछ भी करती हुई नजर नहीं आई। तो क्या रेणुका सिंह भी कहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद कठपुतली तो नहीं बन जाएंगे? लेकिन आपको बता दें कि रेणुका सिंह की जो पहचान है वो राजनीति में एक ऐसे कद्दावर नेता के तौर पर है जो जनता के खातिर किसी के भी खिलाफ चली जाती है। जी हाँ, और ऐसे में अगर बात की जाए रेणुका सिंह की तो वे लगातार ये तमाम दावे करती हुई नजर आ रही है। सुनवाएंगे आपको रेणुका सिंह का वो खास बयान जिसमें वे बताती हुई नजर आ रही है कि अगर वे मुख्यमंत्री बनती है उनकी जीत होती है तो आखिरकार किस तरह से वो छत्तीसगढ़ में काम करेंगे। सुनिए जरा। 18 के चुनाव में टीएस बाबा छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र के जनक अपने आप को कहे थे और उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने पेश किया था। जनता ने उन पर विश्वास किया। कांग्रेस के झूठे वादे और उनके खोखले घोषणा में आकर कांग्रेस को जरूर वोट किया, लेकिन इन 5 सालों में वो अपना समय गंवाने के अलावा कुछ नहीं किए। भूपेश बघेल का अहंकार आज सबके सामने आ गया है और बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी। दीदी, ये जो वर्तमान विधायक थे आपके यहाँ पर टिकट मिलने का? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में और संगठन के प्रभारी माननीय ओम प्रकाश माथुर जी, माननीय मनसुख मांडविया जी, माननीय नितिन नवीन जी, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के कुशल प्रबंधन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का चुनाव हुआ और आज भरतपुर सोनत में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र की जनता को देती हूँ। आप जीत के जैसे ही मतगणना स्थल पर पहुंची, समर्थक अपना सीएम कैसा हो रेणुका दीदी जैसा नारे लगाने लगे? चुनाव से पहले सीएम दीदी की बारी नारा था, क्या कहेंगे इस पर? वो आज जवाब दे दिया है कि मैं बाहरी थी या फिर मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने जनता से जो जो वादे किए हैं, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे चांग बखार को जिला बनाने की बात हो, कोटा टोल केलहारी को विकास खंड बनाने की बात हो, या तो फिर मनेन्द्रगढ़ से लेकर गुगरी तक दोहरी रोड बनाने का काम हो, ये सारे काम इसके अलावा क्षेत्र की जितनी भी जरूरतें हैं सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी। आपने चुनाव के दौरान कही है? तो देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार यही बन रहा है कि क्या वाकई में रेणुका सिंह अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? 10 दिसंबर को पार्टी मुख्यमंत्री का ऐलान कर सकती है, अंदरूनी सूत्रों से ही खबर सामने आ रही है। देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।